हम बनाएंगे निर्दोसा यानी कोंकणी खावन। बोल में एक कप पुराना चावल लिया है। निर्दोसा के लिए हमेशा पुराने चावल का उपयोग करें, इससे डोसा चिपचिपा नहीं होगा। पानी डालेंगे, चावल को 2 से 3 बार धो लेंगे। चावल धो लिया है, इसमें पानी डालेंगे। ये चावल 4 से 5 घंटे के लिए भिगो दे। 5 घंटे हो गए हैं, अब ये पानी निकालकर भिगे हुए चावल को मिक्सी जार में डालेंगे। चावल मिक्सी जार में ऐड किए हैं, इसमें 1/2 कप कद्दूकस किया कच्चा नारियल डालेंगे। ये ऑप्शनल है, लेकिन नारियल डालने से डोसा एकदम सफेद होता है। ज्यादा नारियल न डाले, नहीं तो बैटर स्टिकी हो जाएगा। 1/2 कप पानी डालकर महीन पीस लेंगे। पीसा हुआ मिश्रण बोल में निकाल लेंगे। अब स्वादानुसार नमक और 1 कप पानी डालेंगे। बैटर बहुत पतला होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करें। बैटर थोड़ा गाढ़ा लग रहा है और थोड़ा पानी मिलाएंगे। देखिए बैटर इतना पतला होना चाहिए। फाइनल बैटर तैयार करने तक मुझे 1 कप चावल के लिए कुल 2.5 कप पानी ऐड करना पड़ा। आपको कम या ज्यादा पानी की आवश्यकता हो सकती है। पानी की मात्रा चावल की क्वालिटी पर डिपेंड करती है। बैटर को तवे पर डालते समय हमेशा अच्छे से मिला लें। हाई फ्लेम पर पैन रखा है, पैन गर्म हो चुका है, तेल लगाएंगे। आप कच्चे प्याज या कच्चे आलू से भी तेल लगा सकते हैं। बैटर डालेंगे, गैस की फ्लेम लो टू मीडियम पर करेंगे। पानी की मात्रा सही हो तो डोसा बढ़िया तरीके से जालीदार बनेगा। अगर तवे पर डालने पर डोसा जालीदार ना बन रहा हो या फिर उस पर दरारें दिख रही हो तो इसका मतलब है बैटर गाढ़ा हुआ है। तो बैटर में थोड़ा सा पानी डाल दे, और अगर डोसा फट रहा है तो बैटर बहुत पतला बना है। फिर थोड़ा सूखा चावल का आटा डालें, बैटर परफेक्ट हो जाएगा। डोसा किनारे छोड़ने लगा है, डोसा रेडी है। डोसा पहले इस तरह छन्नी पर उतार लेंगे और ठंडा हो जाने पर फोल्ड करेंगे, इससे डोसा स्टिकी नहीं होगा। इस तरह सारे डोसे बनाएंगे। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।